बच्चों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। कल हमने 6 एग्जांपल्स बताया था, ठीक है, और कल हमने बताया भी था कि कल इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा एग्जांपल नंबर 7 है वो वही है, ठीक है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट 3/4 × a², ठीक है, वेयर ए इज द साइड ऑफ अ ट्रेंगल, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इक्विलेटरल का तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। वही हमने एक ट्रेंगल बना लिया ABC, ठीक है। इसमें तीनों साइड क्या है? AB, BC और CD, AC, ठीक है, तीनों बराबर है, जिसका साइड क्या है कि AA दिया हुआ है, ठीक है। EA है, EB A है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि ये डायरेक्टली, अगर यहाँ से हमने एक अल्टीट्यूड खींचते हैं तो जरूरी नहीं कि इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कि नहीं, ये एक्चुअल में डिवाइड कर रहा है हाफ हाफ, ठीक है। आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ए से अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, चाहे बी से खींचो चाहे सी से खींचो, तो वो हमेशा क्या होता है, उसके डिवाइड करता है। लेकिन हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे, ध्यान से देख लो। इस दोनों ट्रेंगल में, यानी कि ABD और ACD या ADC में, देखो ध्यान से देखो, ई वाला साइड के बराबर है ना, और ध्यान से देखो AD दिख रहा है, ठीक है, वो गया है AD के ही बराबर है, ठीक है, दोनों ट्रेंगल में आ रहा है। और ये जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है ना। तो जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता होगा RHS वाला थ्योरम, ठीक है, RHS वाला थ्योरम, ठीक है, कि किसी राइट एंगल ट्रेंगल के, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, और एक एंगल राइट एंगल जिसको बोलते हैं, और कोई एक साइड अगर वो बराबर है तो वो ट्रेंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे ये मान लो कि इसके लिए क्या है, 90 डिग्री के, तो सामने की साइड है, तो इसके लिए हाइपोटेनस हो गया, इस ट्रेंगल के लिए हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, AH दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रेंगल के लिए साइड है, देख लेना, ये होगी HBD 90 AA, ठीक है। सेकेंड वाला इधर का ट्रेंगल AD और C, ठीक है, देखो ये वाला इसके बराबर, ये वाला ये हो गया, ये 90 डिग्री, तो देखो R का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, जो ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो एक एंगल क्या हो गया 90 90, और उसके H का मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, और S का मतलब हो गया साइड, कोई एक साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों ट्रेंगल का सेम है, एक एंगल 90 डिग्री का, एक हाइपोटेनस बराबर है, एक साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड से दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो BD और DC भी क्या हो गया, बराबर हो गया। जब BD DC बराबर हो गया, तो टोटल A है, तो ये क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। जब ये A/2 निकल के आ गया, ये वाला A है, तो क्या H नहीं निकल जाएगा, H निकल गया तो हमको एरिया निकालने में आसान हो जाएगा, 1/2 अगुणे आधार अगुणे शीर्ष लंब हो गया। तो H निकाल लो, H कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देख लेना, E क्या हो गया, हाइपोटेनस, E क्या हो गया, इसका बेस, तो परपेंडिकुलर नहीं निकल जाएगा, तो H² = क्या हो जाएगा, A² में से A/2 का होल स्क्वायर घटा दो, तो नहीं निकल जाएगा, यानी कि इसको घटाएंगे तो H की वैल्यू निकल जाएगा, उस H की वैल्यू रख देना फार्मूला में, ठीक है, वही काम किया गया, ध्यान से देखना। गिवन क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ABC, इसमें AB = AC = BC = A, ठीक है। प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या होता है, √3/4 × साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, डायग्राम बना लेना साफ साफ।
प्रूफ में क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी और एडीसी में, ठीक है। देखो एबी बराबर एससी और एंगल क्या हो गया, एडीबी, एडीबी और एडीसी दोनों दोनों क्या बराबर है 90 डिग्री, एडी बराबर एडी दोनों में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइड एंगल, साइड वाला थ्योरम यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ये आरएचएस वाला अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है, आरएचएस, ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए साइड एंगल साइड ई वाला साइड एंगल बराबर होता है तब काम करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आरएचएस वाला थ्योरम काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एडीबी इक्वल टू हो गया एडीसी, ठीक है। तो जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ से बी डी और डी सी बराबर हो गया, तो बी डी डी सी बराबर होगा तो वो कितना हो जाएगा, ये टोटल ए है, दोनों बराबर है तो इसके हाफ हाफ के बराबर हो, तो यानी कि ए बटा टू के बराबर हो गया, ठीक है। ए क्या गया बी डी, अब हमको एरिया भी इस तरह से लेंगे तो ये दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल कर जोड़ उससे दूसरे गुणा कर दो तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या हम डायरेक्टली एच निकाल लेंगे तो पूरा एरिया निकाल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया ए बी डी में, ध्यान से देखना ए बी डी या ए डी सी, जो आपकी इच्छा करो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, करोड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, याद होना चाहिए, ठीक है, बताए भी थे इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो गई, आपका ए स्क्वायर ए हो गया तो ए का होल स्क्वायर हो गया बराबर बी डी ए बटा में टू, तो ए बटा में टू का स्क्वायर प्लस क्या ए डी को हम क्या ले लेते हैं एच, तो एच स्क्वायर यानी क्या, ठीक है। तो एच स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर अब माइनस का देखो ए स्क्वायर और दुदनी कितना हो गया चार, तो ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर बटा में फोर, चार एक का लघुत्तम कितना हो गया चार, ठीक है। अब यहाँ से एक से चार बार में जाएगा तो फोर ए स्क्वायर माइनस का कितना हो गया ए स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल हो गया एक बार में तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चार को में से एगो घटा लो, चार को आम है समझ लो भाई, एगो आम है तो चार को में से एगो घटेगा तो कब बचेगा थ्री ए स्क्वायर बटा में फोर, ठीक है। इसलिए एच स्क्वायर आपका आ गया क्या थ्री ए स्क्वायर बटा में फोर, तो एच निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तीन रह गया रूट में, चार का कितना हो गया दो, ए स्क्वायर का क्या हो गया ए, तो एच की वैल्यू आपकी आ गई कहाँ से स्क्वायर रूट थ्री अपन फोर अपन टू ए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपका क्या हो गया बी सी, बी सी की वैल्यू क्या था टोटल ए, ठीक है, और इंटू क्या हो गया ए और उसका ले लो हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू स्क्वायर रूट थ्री अपॉन टू, ये आपका हाइट आया था और ये आपका क्या हो गया बेस, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई तो दो दूनी का चार थ्री रूट में हो गया, ये मैं ऐसे करूँ ए स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये कई बार प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, ओके। आज का एग्जाम्पल नंबर दो और कल के लिए, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, देखने में छोटा है लेकिन एक ही बस ध्यान से देखोगे तो तुरंत आंसर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेज़ियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, सबसे पहले आपको ट्रेपेज़ियम बनाना है ए बी सी डी, देखो ए बी सी और डी, ठीक है, अंदर छोड़ो पहले बाहर वाला कवर करो, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया ए बी सी डी एक ट्रेपेज़ियम हो गया, करें कि ए लाइन अलाइन, ठीक है, अलाइन पैरेलल टू ए सी, ठीक है, ए सी, तो अब ए सी को क्या करेंगे मिलाएंगे तभी तो ए सी के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, तो हमने क्या किया ए और सी को मिला दिया, ठीक है। तो अलाइन ए सी
इंटरसेक्ट्स ए बी एट एक्स, यानी कि ए सी की पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है, वो क्या है ए बी को एक्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी पे हमने इंटरसेक्ट कर दिया ए सी की पैरेलल, ठीक है। एंड बी सी एट वाई, और बी सी को क्या कर दिया वाई वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे मिला दिया एक्स वाई, ए सी और एक्स वाई क्या है पैरेलल है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स, ए डी एक्स ये वाला, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा डी एक्स को मिलाना पड़ेगा तभी तो ए डी एक्स बनेगा एरिया। और दूसरा क्या रहा एरिया ऑफ ए सी वाई, ए सी वाई, तो जब ए सी वाई की बात कर रहा है तो ए सी तो ऑलरेडी मिलाया था, तो अब ए और वाई को भी मिलाना पड़ेगा तभी तो जाके ए सी वाई बनेगा, यानी कि क्या हो गया आपको एक्स डी एस सी और ए एक्स को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि ए से सी और सी को एक्स से भी मिला देते हैं, ठीक है, ताकि ये आपको फार्मूला बने, ध्यान से देखना। हमने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया सी एक्स को, ठीक है, डी एक्स को और ए वाई को, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है ए बी है और डी सी के पैरेलल है, जब ए बी डी सी के पैरेलल है तो ध्यान से देखना ये जो ट्रायंगल आपका कौन सा है ए डी एक्स और ए सी एक्स दोनों क्या है सेम पैरेलल लाइन बन रहा है ए एक्स और डी सी के बीच में, क्योंकि ये तो ट्रिपजियम के आमने सामने की लाइन पैरेलल होता है, तो ये वाला आमने सामने का एगो पैरेलल होता है, ठीक है, एगो तो बिना पैरेलल होता है, तो यहाँ पे ए एक्स क्या हो जाएगा डी सी के पैरेलल होगा, और ए एक ही बेस ए एक्स पर दोनों ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए डी एक्स और ए सी एक्स, तो दोनों का एरिया क्या हो जाए इस वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। देखिए हमको तो इसको बराबर नहीं दिखाना, हमको दिखाना क्या है ए एक्स सी के ए सी वाई, ए सी और वाई ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो उस कंडीशन में ध्यान से देखो अगर यहाँ पे देखते इस पैरेललोग्राम में ए एक्स पैरेललोग्राम नहीं, ये भी एक क्या होगा ट्रिपजियम होगा, क्योंकि एक्स वाई और ए सी पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स वाई सी, ये भी क्या होगा एक ट्रैपजियम होगा, तो अगर इस वाले ट्रायंगल जो ट्रैपजियम है उसमें देखते हैं तो ये ध्यान से देखो ए सी बेस पे आपको ए भी बन रहा है ए सी ए वाई भी बन रहा है, ठीक है, और ए सी बेस पे ही क्या बन रहा है ए एक्स सी बन रहा है या ए सी एक्स, तो ए सी एक्स इसके भी बराबर था और ये ए सी एक्स यहाँ पे क्या हो गया इस ट्रायंगल के भी बराबर हो गया, तो ए सी एक्स दोनों के बराबर हो गया, तो यहाँ से ए डी एक्स और ए सी वाई बराबर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमने इसको ज्वाइन कर लिया ट्रायंगल ए एक्स डी और ए सी एक्स, देखो ए एक्स डी और ए सी एक्स आर ऑन द सेम बेस एक्स, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए एक्स एंड डी सी, ठीक है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इक्वल टू ए सी एक्स, ठीक है, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आल्सो ए ट्रायंगल ए सी एक्स एंड ए सी वाई, देख लेना ए सी एक्स और ए सी वाई, ठीक है, दोनों क्या है आर ऑन द सेम बेस कौन सा ए सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए सी एंड ए एक्स, ए सी और ए एक्स एक्स वाई, ठीक है, ए सी और एक्स वाई के बीच में बन रहा है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स इक्वल टू ए सी और वाई के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों एक ही बेस ए सी पर बन रहा है, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो ए सी एक्स ए सी एक्स दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो यहाँ से ए डी एक्स और ए सी वाई बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से ए डी एक्स और ए सी वाई क्या हो गया दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, ये हमको क्या करना था प्रूव करना था, ओके ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है।